नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अ बाइकर इन ताइवान में। और आज हम जाने वाले बहुत ही स्पेशल जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, काओशांग हार्बर जाएंगे हम। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, तो बनिए रहिए मेरे साथ और चलते एक्सप्लोर करते हैं। ये बिल्डिंग मेरे जो लेफ्ट में है, यह है काओशांग म्यूज़िक सेंटर। अभी तो कोविड की वजह से बंद है, पर यहाँ पे बहुत सारी जो बड़े म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत स्पेशल है, इसने कोई अवार्ड भी जीता हुआ है इस आर्किटेक्चर ने। बड़ी खूबसूरत दिखती है, खासकर जो इसका एरियल व्यू है ऊपर से जो ड्रोन वगैरह फुटेज से दिखता है बहुत ही खूबसूरत है। और ये व्यू है देखने लायक, जिसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ बार बार बाइकिंग के लिए। आप कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा ये व्यू आपको। ये सारा नया डेवलप हुआ है एरिया, तो आप मेरे
राइट और लेफ्ट में देख रहे होंगे ये सारे आर्ट पीसेस बने हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में इन बिल्डिंग्स में से एक है आर्ट सेंटर, उसमें अभी वो बंद है तो हम अंदर जा नहीं पाएंगे। तो ये सारे जो इधर आसपास जो बने हुए पीसेस, ये सारे आर्ट को डेडिकेटेड हैं। और ये जो ओपन एरिया है ये है काओशांग रेलवेज का, मतलब ओल्ड रेलवेज के ट्रैक्स हैं यहाँ पे। और ये क्योंकि हार्बर के नज़दीक है तो काफ़ी बिजी हुआ करता था, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूज़ होता था। अभी तो लोग यहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं, तो बच्चे लोग यहाँ पे पतंगबाजी वगैरह करते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है वीकेंड्स पे यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं अपने रूम की तरफ वापस जा रहा हूँ। कैसे लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएगा कमेंट करके, और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ जब आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आपको टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।